एयर इंडिया फ्लाइट का कारनामा, यात्रा कराए यात्रियों से भेदभाव की खबर, बिना स्क्रीनिंग के ही यात्रियों को लौटाया गया। इकोनॉमी क्लास को ले जाएगा आइसोलेशन सेंटर, बिजनेस क्लास के यात्रियों को लौटाया गया। कनेक्टिंग फ्लाइट दिल्ली से किसी और शहर की थी, लेकिन उन्हें बगैर किसी जांच के जाने दिया गया। पीड़ित ये आरोप लगा रहे हैं, आइसोलेशन सेंटर जाने वालों को पानी तक नहीं दिया गया, 6 घंटे तक बगैर पानी के ही लोग रहे। कोरोना का संदिग्ध मानकर दुकानदारों ने भी पानी नहीं दिया। एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या A1142 ये यात्रा कराए थे सभी, पेरिस से दिल्ली। सुबह 9 बजे आई थी फ्लाइट। दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कोरोना वायरस से संबंधित जांच को लेकर एक गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। आज सुबह पेरिस से नई दिल्ली आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या A1142 सुबह 9 बजे नई दिल्ली हवाई अड्डे पर लैंड करती है। एहतियात के तौर पर सभी यात्रियों को जांच की प्रक्रिया के लिए ले जाया जाता है, लेकिन यहां एक गंभीर भेदभाव का मामला सामने आया। इस फ्लाइट से यात्रा कर रहे यात्रियों में से इकोनॉमी क्लास के सभी यात्रियों को छतरपुर के आइसोलेशन सेंटर में ले जाया गया, लेकिन आइसोलेशन सेंटर ले जाए गए यात्रियों के परिजनों का आरोप है कि बिजनेस क्लास के यात्रियों को एयरपोर्ट से सीधा उनके गंतव्य को ले जाने के लिए उनसे कोई चेकिंग नहीं की गई और ना ही उनको आइसोलेशन सेंटर ले जाया गया। यात्रा कर रही MBA की एक छात्रा के पिता मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं अनुराग अग्रवाल का आरोप है कि जिन यात्रियों की कनेक्टिंग फ्लाइट दिल्ली से किसी और शहर के लिए थी, उन्हें भी बगैर किसी जांच के जाना दिया, ये कहकर कि इनकी जांच इनके अपने अपने हवाई अड्डों पर जहां ये जा रहे हैं वहां कर ली जाएगी। तरीका तो ये ही है ताकि इंफेक्टेड और ठीक बच्चों को किसी के साथ में फंसा रखा, बेवकूफ बना रहे, इंतजाम करेंगे हम, ये कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है, फॉर्मेलिटी सिर्फ दिखाने के लिए कैंप लगा रखे हमने, पीने का पानी तक नहीं है, 5 घंटे हो गए बच्चों को, अच्छे खासे बच्चे का BP डाउन हो जाएगा, फीवर आ बोलना चाहिए। हाँ 99% ठीक है, तो जो अरे जो सीख है उनको अलग तो करो। नहीं सर, क्या दिक्कत हो रही है आपके बेटे के साथ की बच्चों के? दिक्कत ये हो रही है बच्चों को पानी तक नहीं दे, 5-6 घंटे हो गए और कोई प्रोसीजर नहीं के करना क्या है। जो बच्चे ठीक हैं भाई उनको घर में 14 दिन के लिए रखो, बीमार के साथ क्यों रख रहे हो उनको, घर में भी बच्चा रह सकता है 14 दिन। देख लो, टेस्ट करा के बिल्कुल ठीक है, उसको भी नहीं कंसीडर कर रहे। और खुद अनुराग अग्रवाल पीड़ित यात्रियों के पिता हमारे साथ में हैं। अनुराग जी आवाज पहुंच रही है, स्वागत है आपका जी। अनुराग जी क्या हुआ था एग्जैक्टली, हम जरा जानना चाहेंगे कि आप ये फ्लाइट आती है एग्जैक्टली 9 बजे फ्लाइट आती है और हमारी बिटिया से बात होती है चलने की, अभी स्क्रीनिंग चल रही है। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, स्क्रीनिंग तो होनी ही है, इसमें क्या बात है, हमारे कंट्री का काम है कोई वायरस इधर से उधर ना हो। चलने की पापा हमारी स्क्रीनिंग होने के लिए चलने के हमें 3 घंटे से इन्होंने रोक रखा है और स्क्रीनिंग नहीं कर रहे हैं। हमने कहा कोई बात नहीं बेटा, नंबर आ जाएगा। स्क्रीनिंग के बीच में क्या होता है, कुछ लोग जो है विदाउट स्क्रीनिंग ही चले जाते हैं। जो हमारे बच्चों जो वहां पर और भी हैं बच्चे, उन्होंने हमारे से बाहर निकलने के बाद कहा कि अंकल जो बिजनेस क्लास के लोग थे या जो VIP थे उन्हें सबको जाने दिया, जबकि हमारे जो हम सस्पेक्ट में भी नहीं थे, लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स हैं लगभग 40-45 स्टूडेंट है उन सबको जो है रोक लिया गया जी। और किसी को पानी तक भी नहीं पूछा गया। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमें स्क्रीनिंग से दिक्कत नहीं है, हमारे को बच्चे को ले गए हमें उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात नहीं भाई, देश हित में कार्य हो रहा है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। बट आप किसी को छोड़ रहे हैं बिजनेस क्लास में और किसी को तुम आप अंदर कर रहे हैं, हमें उसमें भी कोई दिक्कत, लेकिन सबसे बच्चों का ध्यान तो रखिएगा कि वहां पे कोई फैसिलिटी नहीं है। हमने उन्हें कहा तो वो डॉक्टर हमारे कहता है कि ये एयरपोर्ट वालों का काम है ये देखने का। हमने कहा कि आपने स्क्रीनिंग करी है तो आप नहीं करेंगे कि भाई ये बच्चे भूखे प्यासे हैं, कुछ पानी दो या कोई चीज दो, चले ये काम हमारा नहीं है। मतलब ये जो पूरा स्क्रीनिंग का प्रोसेस था वो एयरपोर्ट पर ही था और वहीं पर ही उनको पानी तक नहीं पूछा गया जी। जी 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 मैडम। और उसके बाद उनको फिर आइसोलेशन वार्ड लेकर गए, क्या ऐसा भी कुछ हुआ कि कुछ लोगों को आइसोलेशन वार्ड लेकर गए? नहीं, हमारे जितने बच्चे हमारे जो हमारी बिटिया जिसके साथ थी वो तो सब आइसोलेशन में आ ही गए हैं छतरपुर।
मतलब आप लोगों का ऑब्जेक्शन इस बात को लेकर है कि अगर देश हित में कार्य हो रहा है तो सिर्फ बच्चों के साथ में ही भेदभाव क्यों? वीवीआईपीज हो, वीआईपीज हो, बिजनेस क्लास के लोग हो, स्क्रीनिंग सबकी होनी चाहिए। जी जी मैडम, इनको सस्पेक्टेड, ये सस्पेक्टेड भी नहीं थे फिर भी इनको रखा गया। हाँ कोई बात नहीं, आप रख लीजिएगा ना, हमारे लिए तो अच्छा है कि चलिएगा यहीं पर रहे, वरना तो मैं अपने घर ले जा करके उनको 15 दिन रखना पड़ता है। जैसे कि सरकार भी कह रही है कि जो बच्चे बाहर से आ रहे हैं उन्हें आइसोलेशन के लिए सेल्फ आइसोलेशन में अंदर रखिएगा अलग जी, तो वो यहाँ रहेंगे। लेकिन बट जो बिहेव था वो एयरपोर्ट अथॉरिटी का बढ़िया नहीं था, अच्छा नहीं था। चलिए, तो कोई कंप्लेंट वगैरह की गई क्या आप लोगों की ओर से, किसी भी तरह की कोई कंप्लेंट अथॉरिटी से? नहीं, सही, कुछ ऑफिसर से कोई कंप्लेंट की है नहीं। देखिएगा मैडम, अभी तो पहले आदमी अपने बच्चे को देखता है ठीक कि वो ठीक तरह सेटल हो जाए। आप ये देखिएगा कि बच्चों के समान लगेज तक के लिए कोई भी आदमी नहीं दिया गया, वो बच्चे जो है अपने आप सामान उठा उठा करके जो है बस में रख रहे थे। हमने उन्हें कहा तो उन्होंने कहा चलिए सेल्फ करेंगे, मैंने कहा ये तो कोई तरीका नहीं हुआ, आप कहीं से भी लाइए। चलिए ठीक है सर, बातचीत के लिए शुक्रिया।